हाय गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो मैं आज आया हूँ सिटी पैलेस, और ये जगह जयपुर राजस्थान में ही पड़ती है। और आज आपको मैं पूरा सिटी पैलेस दिखाने वाला हूँ, और घूमने वाले हैं अपन सब कैसी है सिटी पैलेस। और ये काफ़ी अच्छा महल है और काफ़ी अच्छा नज़ारा है यहाँ का भी, बहुत सुंदर जगह है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना दोस्तों, और बेल आइकन को ऑल पर प्रेस करना। तो चलिए फिर ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, आप मेरे सामने देख रहे हो, ये है रंग महल, ये सिटी पैलेस में पड़ता है। और ये गाड़ी पार्किंग करने की जगह है, और ये इसका गेट है एंटर करने का अंदर। और ये बनाई हुई है कुछ घड़ी टाइप, घड़ी बनाई हुई है राजाओं के ज़माने की, आप देख सकते हो। और ये है सिटी पैलेस का रंग महल। यहाँ पे काफ़ी सारी मूवी की शूटिंग हो चुकी हैं। अगर आपको मूवी शूटिंग की वीडियो देखनी हो तो मेरे चैनल को जाके विजिट कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और मेरे चैनल का नाम है द रियल टीवी इंडिया, उस पर आपको बॉलीवुड मूवी की शूटिंग लोकेशन के कहाँ पे शूट हुई थी, मूवी कौन सी किस जगह शूट हुई थी, तो सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। तो चलिए देखते हैं रंग महल कैसा दिखता है। काफ़ी सुंदर नज़ारा है दोस्तों इस जगह का भी, देखिए आप, बहुत सुंदर है बहुत। इसके अंदर राजाओं के वस्त्र हैं जो पुराने ज़माने में पहना करते थे। अभी इसके अंदर कैमरा अलाउ नहीं है दोस्तों, नहीं आपको मैं वो अंदर से भी दिखा देता। देखिए कितना, कितनी गजब कलाकारी करी गई है, देख सकते हो आप गेटों पे। पूरा मार्बल का बना हुआ है दोस्तों ये पूरा, ऊपर से लेकर नीचे तक देखिए आप, पूरा मार्बल का बना हुआ है। इसमें गेट लगे हुए हैं पुराने ज़माने के, करीब बहुत साल पुराना, हजारों साल हो गए। और एक ये गेट है, इसमें भी कुछ दुकानें हैं राजाओं की, जो किताबें हैं वो इसमें रखी हुई हैं। और ये है मेरे सामने चंद्र महल, आप देख सकते हो काफ़ी बड़ा है ये भी। और 200 रुपये का टिकट है दोस्तों इसमें, मेरे पास टिकट पड़ा है, मैं आपको दिखाता हूँ एक बार। एक पर्सन का 200 रुपये का टिकट है, ये देखिए हवा चल रही है, एक पर्सन का 200 रुपये का टिकट है दोस्तों इस जगह का। और 9:30 से 5 बजे तक खुला रहता है ये। देखिए काफ़ी सुंदर नज़ारा है। और चलिए फिर चलते हैं उस तरफ, चंद्र महल की तरफ। और ये लंदन की घड़ी है दोस्तों, एक ऐसी घड़ी लंदन में भी बनी हुई है जो राजा ने इस जगह भी बनवाई थी, जयपुर के राजा ने, मानसिंह जी, काफ़ी सारे राजा थे आप देख सकते हो। तो ये बना हुआ है इसके अंदर जाने का, तो मैं देख के आता हूँ एक बार इसके अंदर क्या है, क्योंकि वीडियो अलाउ नहीं है दोस्तों इसके अंदर। दोस्तों काफ़ी सारे कपड़े थे इसमें, राजाओं के, रानियों के, मंत्रियों के, जूते, पगड़ियाँ, साफा, काफ़ी सारी चीज़ें थी इसके अंदर, मैं अभी जाके आया था। और अब चलते हैं इस तरफ, तरफ क्या सीन है, ये गेट बना हुआ है, ये गेट काफी सुंदर है। देखिए कितना सुंदर नज़ारा है। और ये है रेत तारा एवं बार प्रथम निवास, और इधर क्या लिखा हुआ है, श्रेत्रा वृद्ध सभा निवास। तो सभा निवास है दोस्तों ये, चलिए इसके अंदर चलते हैं।
ये पानी के मटके हैं चांदी के। जब राजा युद्ध लड़ने जाते थे तो उस टाइम इनमें पानी भर के ले जाया करते थे। आप देख सकते हो काफ़ी बड़े हैं दोस्तों ये। एक इस तरफ भी है। अब पहले तो ये पैक नहीं थे, पैक कर दिए गए हैं, लोग बाग हाथ लगाते थे इसलिए। और ये कुछ लिखा हुआ है इनके बारे में, आप पढ़ सकते हो वीडियो रोक के। ये कुछ लिखा हुआ है। और यहाँ पे दबंग 3 मूवी का गाना भी शूट हुआ है, हबीबी के नए निकले फरेवी। अगर आपको वो वीडियो देखना हो तो वो भी आपको मेरे चैनल द रियल टीवी इंडिया पे मिल जाएगी। काफ़ी सारी मूवियाँ शूट हुई हैं दोस्तों यहाँ पे भी। और ये नज़ारा है सभा महल का। ये सभा है, सभा होती थी यहाँ पे राजाओं की, मंत्रियों की, सेनाओं की, चारों तरफ सेना होती थी और यहीं पे राजा रहते थे इसमें बीच में। काफ़ी सुंदर नज़ारा है दोस्तों, देखिए इसका भी काफ़ी सुंदर नज़ारा है। ये देखिए बहुत प्यारा। देखते हैं और क्या है। और ये है राजा महाराजा सवाई मान सिंह, ये लिखा हुआ है। ये फोटो दिखाता हूँ आपको। ये है वो राजा महाराजा सवाई मान सिंह द्वितीय। 1922 में जन्मे थे, 1970 में ख़त्म हो गए थे। आप देख सकते हो। और ये है दोस्तों, इधर एक गेट है बाहर जाने के लिए और इसके अंदर एक रेस्टोरेंट है। और ये देखो राजाओं के ज़माने के जो वो होते हैं गमले, वो इस प्रकार से होते हैं। देखो ये थे राजाओं के ज़माने के पौधा लगाने के गमले, काफ़ी सुंदर। ये भी बहुत पुराने, हजारों साल पुराने हैं। और ये है सामने चंद्र महल। तो कहते हैं कि राजा आज भी इसमें रहते हैं, जो राजाओं के वंशज हैं जो अभी जिंदा हैं वो इसी में रहते हैं अंदर। आप देख सकते हो। और ये देखो, ये बहुत प्यारा नज़ारा लगता है मुझे इसका। तो आप खुद देखना, देखना कितना अच्छे अच्छे झूमर लगे हुए हैं दोस्तों इसमें। और ये नज़ारा है। और एक राजा ये भी हैं, महाराजा सवाई जय सिंह द्वितीय। ये 1700 में जन्मे थे, देख सकते हो। और इनकी ये है फोटो, ये कुछ पेंटिंग की गई है इसकी, तो बहुत सुंदर पेंटिंग है। और ये इसकी छत का नज़ारा है, आप देख सकते हो काफ़ी सुंदर बना हुआ है। और ये बंदूकों का डिजाइन बनाया गया है, देखिए कितना दिमाग से लगाया गया। इसमें तीर भी हैं और बंदूक भी हैं, देखिए गोल टाइप का बना दिया है प्रॉपर। इसमें तीर भी हैं और बंदूक भी है। और आपको नज़दीक से दिखाता हूँ तीर, ये देखिए ये तो है तीर और ये है बंदूक पूरी। तो ये आप देख सकते हो, ये है चंद्र महल। और इधर भी पौधे लगे हुए हैं। और एक ये गेट है, इसके अंदर जाने का भी है, तो चलिए इसके अंदर भी चलेंगे अभी। आप जब तक ये नज़ारा देखिए, काफ़ी सुंदर नज़ारा है। ये राजाओं के ज़माने का है पूरा। तो चलिए अभी चलते हैं इसके अंदर। अंदर चलते हैं। ये राजाओं के लगे हुए हैं तस्वीरें,
और ये इधर जाने का, आहा कितना सुंदर नज़ारा दोस्तों, बहुत सुंदर, बहुत लाजवाब, वाह कितना सुंदर है यार। देखिए दोनों तरफ गेट लगे हुए हैं, इस जगह भी काफ़ी मूवी की शूटिंग हो चुकी है, आप मेरे चैनल पर जाके देख सकते हो। और ये गेट देखना कितना अच्छा बना हुआ है दोस्तों, बहुत सुंदर लग रहा है ये गेट, ये देखिए आप, काफ़ी अच्छी पेंटिंग की गई है इसके ऊपर, और ये राजाओं के ज़माने का ही है। और एक गेट ये है, आपको ये भी दिखाता हूँ नज़दीक से, ये भी देखो किस प्रकार से पेंटिंग की गई है, इस पर डिफरेंट ही तरीके से लगाया, ऐसा लगाया अलग ही स्टाइल ही लगा दोस्तों इसकी तो। ये देखिए इसको भी दिखाता हूँ, काफ़ी सुंदर नज़ारा है, राजाओं के ज़माने का तुरसिल लगा हुआ है उधर। और दो गेट इस तरफ भी हैं, ये भी काफ़ी सुंदर हैं। और ऐसे ही मेरी वीडियो आते रहेंगे, मैं जहाँ भी जाऊँगा घूमने के लिए आपको वो जगह दिखाता रहूँगा ब्लॉग में। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करना दोस्तों, इसमें जयपुर के और बाहर के भी काफ़ी सारे ब्लॉग मिलेंगे आपको, राजाओं के ज़माने के महल, बावड़ियाँ, हवेलियाँ, काफ़ी सारी चीज़ें मिलेंगी। और इस जगह रहते हैं आज के टाइम में राजा जो रहते हैं, ये सामने आपको दिखाई दे रहा है, इसके अंदर रहते हैं दोस्तों राजा। काफ़ी सुंदर नज़ारा है इस जगह का, देखिए बहुत प्यारा, राजाओं ने बहुत तरीके से बनवाया है दोस्तों, ये भी देखो जो आज भी हजारों साल भी बात खड़ा हुआ है ये दोस्तों।